हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ओलंपियाड में अब तक हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक हमने देख लिए हैं, है ना। तो आज 11 चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11-15 आज के पीरियड में हम देखने वाले हैं। और हमारी जो बुक है, एक दो बच्चों के पास ही बुक है, बाकी सारे बच्चों के पास नहीं है, तो मैंने पीडीएफ फाइल के ग्रुप में रख दिया है। तो प्लीज आप थोड़ा रिफर करते रहना और एग्जाम की प्रिपरेशन बराबर ध्यान से करना। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, जो हमारा टाइटल है विशेषण। तो बच्चों विशेषण क्या है, तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई काला कौवा, समझो क्या शब्द मैंने बोला, काला कौवा। तो कौवा तो है ही, लेकिन कैसा है, तो काला है। तो काला जो शब्द दिया है वो हमारा विशेषण हुआ, बराबर है। आपको याद रखना है भाई, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण है। अभी विशेष्य, जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, जैसे कि मैंने जो बोला वही एग्जांपल लेते हैं, काला कौवा। तो काला क्या हुआ, हमारा विशेषण, लेकिन काला कौन है, तो कौवा है। तो कौवा क्या हुआ, हमारा विशेष्य, याद रखना काला कौवा। तो काला शब्द हमारा विशेषण और कौवा शब्द हमारा विशेष्य। ओके बच्चों, अभी विशेषण के जो हमें भेद दिए, टाइप दिए, वो उसके बारे में देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, कि भाई ये बिल्ली काली है, देखो उसका गुण हमें बताते हैं कि भाई बिल्ली क्या है, तो काली है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। परिमाणवाचक, कि भाई 1 लीटर तेल लाओ, कितना लाओ, 1 लीटर, जो परिमाण बताता है, तो परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये 2 शेर है, हमें संख्या बताते हैं भाई 2 शेर है, बराबर, तो इसको बोला जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे है सार्वनामिक विशेषण, ये घोड़ा है, उस जंगल में बाघ है, बराबर, सार्वनामिक, सर्वनाम उसमें लिया गया है। अभी देखते हैं नया टाइटल हमारे लिए प्रविशेषण। कुछ विशेषणात्मक शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, अर्थात जो विशेषण संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताए रहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मोहन बहुत चालाक लड़का है, समझो मोहन बहुत चालाक लड़का है। तो बच्चों ये जो बहुत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, याद रखना ये बहुत शब्द को बोला जाएगा प्रविशेषण, बराबर। दिनेश बहुत सुंदर लड़का है, यहाँ पे भी बहुत आया, अगर ऐसा आएगा तो आपको समझना है कि भाई ये जो शब्द है वो आपका है प्रविशेषण। ओके, आगे का चैप्टर 12 है क्रिया। तो भाई क्रिया, तो जिन शब्दों से कार्य का करना अथवा होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे कि तुम लिख रहे हो, अभी लिखने की क्रिया हो रही है ना। कौवा उड़ रहा है, तो यहाँ पे उड़ने की क्रिया हो रही है। क्रिया के 3 भेद है, एक है अकर्मक, दूसरा सकर्मक और तीसरा द्विकर्मक। ओके, तो अकर्मक क्रिया, तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, देखो कर्ता के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया के ऊपर, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। एक एग्जांपल दिया, राम सोया है, सोया तो है लेकिन कौन सोया है, तो राम सोया है ना। तो ऐसा अगर सेंटेंस में मिलेगा तो वो है अकर्मक क्रिया। यहाँ पे बच्चों सोने की क्रिया हो रही है और राम के ऊपर ये पूरा सेंटेंस जो राम के रिलेटेड है। ओके, सकर्मक क्रिया है जो कर्म पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक क्रिया के में क्या होता है कि भाई कर्ता के ऊपर प्रभाव होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है भाई कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सरदुल पुस्तक पढ़ रहा है, देखो सरदुल जो है वो भी पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक वो हमारा कर्म हुआ, देखा कर्म के ऊपर ज्यादा प्रभाव है, तो हमें समझ जाना है कि भाई वो है सकर्मक क्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया की, 2 कर्मों यानी कि सोहन ने गाय को पानी पिलाया, समझो कि यहाँ पे
सोहन ने गाय को पानी पिलाया, तो ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए हमारे पास, तुमने अपने भाई को पुस्तक दी, तुमने अपने भाई को पुस्तक दी, बराबर है। जब क्रिया के दो कर्म हो, याद रखना बच्चों कितने कर्म, दो कर्म, तो हमें जानना है भाई है द्विकर्म क्रिया। अभी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है कि भाई सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणादायक क्रिया। बच्चों सब इसके बारे में हमने डिटेल में दिया ही है। ओके देखिए 13 नंबर विराम चिन्ह। सभी बच्चों विराम चिन्ह हम लोग जब छोटे थे ना तब से पढ़ते आए हैं, विराम चिन्ह बहुत ही जरूरी है। अगर विराम चिन्ह हमने नहीं रखा तो हमारा सेंटेंस फुलफिल नहीं होता है। समझोगे भाई हमारा सेंटेंस सेंसफुल नहीं रहेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ओके सेंटेंस ओवर होता है उसके बाद हमें फुल स्टॉप रखना ही है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है बीच में हमें कॉमा रखना है, अल्पविराम रखना है। देखो यहाँ पे जो साइन दी है वो अल्पविराम, नीचे जो है अर्धविराम, उसके नीचे पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बराबर एक्सक्लेमेटिव मार्क, निर्देश सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजन चिन्ह, लाघव चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। तो बच्चों ये हमें टोटल 11 यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है। ओके अभी बारी बारी से सबके डिटेल में बात की गई कि भाई अल्प विराम जहाँ पे हमें बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े। तो पप्पू ने कहा मैं अभी आता हूँ, देखो तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, पप्पू ने कहा, बराबर छोटे समय के लिए रुकते हैं कुछ क्षण के लिए, तो वहां पे हम अल्प विराम रखेंगे। आगे भी हमें दिया है अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बारे में पहले ही बताया, प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें कोई प्रश्न पूछना है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देखो यहाँ पे प्रसन्नता, खेल, संबोधन, आश्चर्य हो वहां पे, निर्देश सूचक तो यहाँ पे दिया है हमें, तुम अब लिख नहीं सकते, विवरण चिन्ह बच्चों की संज्ञा के प्रमुख भेद है तो ऐसी जगह पे विवरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है, उद्धरण चिन्ह यानी कि हम लोग जो इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं वो, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, बराबर है। जैसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ये बाकी ये सारे विराम चिन्ह तो हम लोग डेली यूज में आते लाते ही है। ये लाघव चिन्ह अगर आपके आप सोच रहे भाई ये थोड़ा नया है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे कि समझो उत्तर प्रदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश हमें फुल स्पेलिंग में नहीं लिखना है तो ऊ करके हम लाघव चिन्ह रख सकते हैं और प्र करके भी लाघव चिन्ह रख सकते हैं तो उसका मीनिंग होगा उत्तर प्रदेश। ओके बच्चों 14 नंबर चैप्टर देखते हैं लिंग। अभी लिंग का आपको पता ही है कि भाई लड़का है तो उसका लिंग हो जाएगा लड़की, बराबर जो पुरुष जाति है उसका हमें स्त्री जाति करना है। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे लिंग हमें दिए हैं तो मैं रखूंगा ग्रुप में, प्लीज आप सबको पढ़ना है, लेखक तो लेखिका, ओके चंचल तो चंचला, गंदा तो गंदी, ये सब लिंग हमें दिए हैं। 15 जो हमारा चैप्टर है वचन, बच्चों ये वचन परिवर्तन भी हम लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक वचन, बहुवचन, बराबर इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो भाई एक वचन यानी कि सिंगुलर, बहुवचन यानी कि प्लूरल। ओके तो अगर एक वचन हमें दिया है तो उसका बहुवचन करना है, बहुवचन दिया तो उसका एक वचन करना है। जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि वह जाता है, वह जाता है यानी कि वो अकेला ही है, इसके लिए एक वचन, लेकिन उसका ही हमने किया है यहाँ पे बहुवचन तो वे जाते हैं। देखा वे जाते हैं, वे जाते हैं, मोर नाचता है तो मोर नाचते हैं, देखा यहाँ पे मोर देन वन है, यहाँ पे प्लूरल है। चलो आगे बढ़ते बच्चों तो ये वचन परिवर्तन है, आपको एक वचन बहुवचन ये सारे आपको पढ़ने हैं और लर्न भी रखने हैं कि भाई एक वचन बहुवचन का क्या होगा। बाबा बच्चे को पढ़ाओ तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे का बच्चों हो गया, घड़े घड़े का जल है तो यहाँ पे घड़ों का जल है, यहाँ पे घड़ा जो है घड़ा एक ही था, यहाँ पे घड़ा बहुवचन हो गया, मोर देन वन हो गया। ओके बच्चों तो आज के वीडियो में 11 to 15 चैप्टर हमने देखे, प्लीज वीडियो ध्यान से फिर से देखना है,
और पीडीएफ फाइल में से रीड करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16-20, बाकी के सारे चैप्टर हम उसमें ले लेंगे, तो वहां पे हमारा जो हिंदी ओलंपियाड्स का जो बुक्स है वो हमें खत्म होगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।